अच्छा तो यार मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये मैं टमाटोज कट कर रही हूँ, करने लगी हूँ, और फिर इसके बाद इसको कट करेंगे। और ये अनियन मैंने कट करा लिए थे। अच्छा यार मेन बात ये है कि जो मैं कढ़ाई बनाने लगी हूँ ना, बहुत लाइट वेट सी है, स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और जो जिनको हार्ट का इशू है। तो मेरे बाबा को थोड़ा इशू है, तो मैं उनके लिए बहुत ही लाइट वेट सी बना रही हूँ। दिखाती हूँ नेक्स्ट। अच्छा मैं ये बिल्कुल हाफ जो है ना चम्मच ये ऑयल का डालूंगी पैन में, और जो प्याज है ना उनको लाइट ब्राउन करूंगी, बिल्कुल ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अच्छा चार मीडियम साइज के जो प्याज थे वो मैंने ऐड कर दिया, और अब मैं इनको ना लाइट ब्राउन सा करूंगी। अच्छा यार वो जो यार वो जो प्याज था वो तो ब्राउन हो गया था, तो फिर उसको मैंने प्लेट में निकाल दिया, मैंने तुम लोगों को दिखाया है। अब मैंने जो है ना चिकन को इसमें डाला है, लाइक ये जितना ऑयल पहले डाला था प्याज को ब्राउन करने के लिए, इतने से ऑयल में इसको मैंने डाला है। अब इसको लाइट ब्राउन करना है। अच्छा यार ये देखो ये इस तरह से ब्राउन हो रहा है, और अब मैं इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डाल के इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी सिंपल ऑयल में। अभी कोई मसाला वगैरह कुछ भी नहीं मैंने डाला, पेस्ट पे चला गया है। और अब इसको मिक्स कर रही हूँ और ये थोड़ा और फ्राई होगा। क्या ये वो जो मैंने प्याजों को ग्राइंड किया था ना फ्राइड प्याजों को, वो अब मैं इस स्टेज पर चिकन में ऐड करने लगी हूँ। अच्छा अब मीडियम फ्लेम पर ना ये कोई 5 मिनट्स के लिए इसको मैं कुक करूँगी कवर करके। यार 5 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक, ठीक है, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 टेबलस्पून ये विनेगर, और जो 2 टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को क्रश करके ऐड कर दिए। और अब मैं इसको कोई 10 to 15 मिनट्स कुक करूँगी। यार ये मेरी चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक है, ऐसी बनी है।